तुर्की सीरिया में भूकंप की भयंकर त्रासदी में अब तक 21,000 से अधिक मौतें, घायलों की संख्या 64,000 के करीब। तुर्की को 95 से ज्यादा देश पहुंचा रहे मदद। इंडिया में बीबीसी बैन करने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला सेंसरशिप नहीं लगा सकते, हमारा वक्त बर्बाद ना करें। पाकिस्तान का लोन अप्रूव किए बिना लॉटरी आईएमएफ की टीम, 10 दिनों की बातचीत के बाद भी अटका 57,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज। देश में पहली बार लिथियम मिला, जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्र में 69,00,000 टन का भंडार, यहां पर सोने के 5 ब्लॉक। निगरानी कैमरे हटाएगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी जासूसी से बचने के लिए लिया फैसला। जोशीमठ में अब तक 868 इमारतों में दरार है, 243 परिवारों को रिलीफ कैंप भेजा, 5 करोड़ से ज्यादा की राहत राशि। अमेरिका ने कराया था नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट, नाटो देशों के लिए खतरा थी जून में बनी रूस से आने वाली पाइपलाइन। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की स्ट्रेंथ पूरी, जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार बने सुप्रीम कोर्ट जज, एक हफ्ते में 7 जजों की नियुक्ति। नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी मिसाइल परेड तानाशाह किम जोंग की मौजूदगी में आईसीबीएम का प्रदर्शन, सॉलिड फ्यूल मिसाइल का प्रोटोटाइप भी नजर आया। इसका सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 दूसरी कोशिश में नाकामयाब रहा, 15 मिनट की उड़ान में 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। यूरोप की सबसे बड़ी संसद में पहुंचे जेलेंस्की, भावुक होकर सबसे पहले कहा कि यूक्रेन की जीत को सांसदों ने 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया। बारह से 8 साल में 40% बड़ी भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, सरकार ने राज्यसभा में बताया, 2021-22 में प्रोडक्शन 47,112 मिलियन यूनिट पहुंचा। वाल्मीकि हॉल में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया शुभारंभ, राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी भी रहे मौजूद। सीएम गहलोत ने पढ़ा पुराना बजट, 3 पैराग्राफ तक पढ़ा पुराना बजट, मंत्री महेश जोशी ने बीच में टोका, विधानसभा में विवाद में फंसी गहलोत सरकार। दिल्ली के पंजाबी बाग में लगी भीषण आग, पंजाबी बाग की झुग्गियों में भीषण लगी आग, आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी, कोई हताहत नहीं। नागपुर टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 144 रन की बढ़त, दूसरे दिन स्टंप्स तक स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 321 रन, रोहित का शतक, जडेजा अक्षर की हाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर, वनडे सीरीज या आईपीएल में वापसी संभव, एनसीए में कर रहे फिटनेस पर काम। वुमन आईपीएल में हिमाचल की 5 क्रिकेटर, 13 को मुंबई में ऑक्शन, प्रदेश की 22 खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, इनमें से 5 शॉर्टलिस्ट। मयंक अग्रवाल ने खेली 249 ओवर की पारी, रणजी सेमीफाइनल में कर्नाटक को 400 पार पहुंचाया, बंगाल ने एमपी को बैकफुट पर धकेला। 4 से 26 मार्च के बीच होगा वीमेंस प्रीमियर लीग, 13 फरवरी को होगा प्लेयर्स ऑक्शन, मुंबई और गुजरात फ्रेंचाइजी के बीच हो सकता है ओपनिंग मैच।